कैसे बेटा? लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे बेटा, नेंसर्ट इक्वेशन के क्वेश्चन अपने डिस्कस किए थे। फिर अपन ने बात की थी कोई सिंगल इलेक्ट्रोड है उसके लिए भी अपन नेंसर्ट इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं बेटा। क्लियर? ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए अपन ने बात की, इसका मतलब या तो अपन बात करेंगे एनोड के रेस्पेक्ट में या फिर कैथोड के रेस्पेक्ट में। क्लियर? ठीक है, इसका मतलब अगर हम सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए बात करें तो हमें पता है अब हमारे पास सेल ईएमएफ आएगा क्या? नो बच्चों, सेल ईएमएफ तो कब आता है? जब दोनों इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में अपन देखते हैं एनोड और कैथोड। क्लियर? अगर सिंगल इलेक्ट्रोड की बात करें तो हमें पता है या तो हम एनोड की या फिर कैथोड की बात कर रहे हैं। अगर ओनली एनोड या कैथोड की बात करें तो हमें पता है या तो हम बोलेंगे ओनली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ओनली रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? इसका फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा था, कल याद है ना बेटा? क्लियर? बस जो अपनी मेन नेंसर्ट इक्वेशन होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नोट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। क्लियर? इसको सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए लिखेंगे, यानी ई ऑक्सीडेशन या ई रिडक्शन की टर्म में लिखे तो आपको याद है मेन कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या सेट रखना है बेटा, क्या? अपोजिट इलेक्ट्रोड। अपोजिट इलेक्ट्रोड मतलब अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोले तो हमें एनोड वाली कंसंट्रेशन या प्रेशर यूज करना है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल बोले तो हमें कैथोड वाली कंसंट्रेशन या प्रेशर यूज करना है। क्लियर? तो जो अपोजिट इलेक्ट्रोड होगा, चाहे एनोड हो चाहे कैथोड, उसकी कंसंट्रेशन या प्रेशर को हम कॉन्स्टेंट मानकर उसकी जगह 1 लिखते हैं। क्लियर? अरे बात समझ में आ गई? क्लियर? फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नेंसर्ट इक्वेशन का, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ओके बेटा, चलो आज इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट, लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn / Zn + 2, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn / Zn + 2, इसके ब्रैकेट में लिखो बेटा 0.01 m, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn / Zn + 2, ब्रैकेट में लिखो 0.01 m, इफ E नोट Zn / Zn, Zn + 2 / Zn इक्वल टू -0.6 volt, प्लस माइनस और डेसिमल इनका जरूर ध्यान रखना बेटा। ओके ठीक है, अपना क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn / Zn + 2, ब्रैकेट में लिखा है क्या लिखा 0.01 m, इफ E नॉट Zn + 2 / Zn इज इक्वल टू -0.6 volt। क्लियर? हिंदी में लिखो, लिखो Zn / Zn + 2, Zn / Zn + 2 ब्रैकेट में 0.01 m का ऑक्सीकरण विभव ज्ञात करो, का ऑक्सीकरण विभव ज्ञात करो, का ऑक्सीकरण विभव ज्ञात करो यदि, यदि E नोट Zn + 2 / Zn इज इक्वल टू -0.6 volt, -0.6 volt। लिख लिए बेटा, देखते हैं बच्चों कैसे करना है, क्या करना। सबसे पहले बच्चों देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमें समझना है, क्या हमें पूछा है, कैसे करना है, फिर देखते हैं क्या हमें दे रखा है। क्लियर? उनकी वैल्यू पुट करके जो पूछा है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें बेटा, जिंक के ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है तो एक बात तो श्योर है, जिंक अगर रिएक्शन करेगा, ये बच्चे को कुछ बेसिकली आइडिया होना चाहिए क्या, कि जिंक अगर रिएक्शन करेगा तो या तो Zn से Zn + 2 में या Zn + 2 से Zn में कन्वर्ट होता है। क्लियर? हमें क्या बोला है, ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब Zn को Zn + 2 में कन्वर्ट करें या Zn + 2 को Zn में, Zn को Zn + 2, 0 से + 2 में कन्वर्ट करना है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, Zn, Zn किस में कन्वर्ट होगा, Zn + 2 + 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? बात समझ में आ गई? इसके लिए अगर अपन बात करें बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, हमेशा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो मैं क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, Zn + 2 अपॉन क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Zn। क्लियर? ठीक है, अब हमें पता है इसका, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है, तो ऑक्सीडेशन के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है रे, ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई ऑक्सीडेशन नॉट, क्या कहा, ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन नॉट माइनस क्या करेंगे 0.059 अपॉन
एन और लॉग है, लॉग अपन क्या करेंगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, जेड एन प्लस टू की कंसंट्रेशन अपॉन जेड एन की कंसंट्रेशन, यस और नो। लेकिन मुझे दोनों कंसंट्रेशन यूज करनी है क्या? नहीं। आपको याद है तो अपनी ट्रिक याद है ना, एनोड बटा कैथोड, यस और नो। इसका मतलब मुझे पता है मुझे कौन सी कंसंट्रेशन यूज करनी है, दोनों में से एक ही करनी है, वो भी कौन सी, ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है, ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है, तो मैं कौन सी कंसंट्रेशन यूज करूंगा बेटा, एनोड वाली, और कैथोड वाली कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मानकर इसकी जगह क्या लिखूंगा, वन। क्लियर? ठीक है बेटा, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई ऑक्सीडेशन नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, और क्या लिखेंगे, जेड एन प्लस टू की कंसंट्रेशन। क्लियर? ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करें बेटा, ई ऑक्सीडेशन नोट मुझे ई नोट दे रखा है माइनस 0.6 वोल्ट, उसकी वैल्यू पुट करेंगे ना, यस और नो? नो बेटा, जहां तक पॉसिबल हो सके, मैं बोल रहा हूं जहां तक पॉसिबल हो सके, आपको जानबूझ के उल्टा देगा डाटा बेटा। क्लियर? जहां तक पॉसिबल हो सके, हमेशा उल्टा दे ये जरूरी नहीं है बेटा, ऐसा नहीं कि आप हमेशा ही साइन चेंज करो, लेकिन जहां तक पॉसिबल हो सके कंफ्यूज करने के लिए अपोजिट ही देगा, तो आप एक बार श्योर कर लेना मुझे कौन सा चाहिए और कौन सा दे रखा है। क्लियर? क्वेश्चन को देखो बेटा, हमें क्या दे रखा है, इफ ई नॉट जेड एन प्लस टू ऑब्लिक जेड एन, इसका मतलब ई नॉट ऑक्सीडेशन वाला दे रखा है या रिडक्शन वाला, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन वाला दे रखा है बेटा, ई नॉट जेड एन प्लस टू ऑब्लिक जेड एन, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन वाला चाहिए। अगर रिडक्शन वाला पोटेंशियल हमें पता है माइनस 0.6 दे रखा है, तो इसका ऑक्सीडेशन वाला कितना हो जाएगा बेटा, अरे प्लस का 0.6 करूंगा या नहीं करूंगा, यस और नो? बात समझ में आ रही है? क्लियर? और क्या करेंगे, 0.059 अपॉन एन, एन की वैल्यू कितनी होगी, रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ठीक है, लॉग है, और हमें पता है जेड एन प्लस टू की कंसंट्रेशन कितनी बोल रहा है ये, 0.01, यस और नो? क्लियर? ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं बेटा, तो क्या लिखेंगे, 0.6 ऐसा कैसा, और क्या लिखेंगे, माइनस 0.059 अपॉन 2, और देखो अगर पॉइंट हटाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग 1/100, यस और नो? अरे कर सकते हैं बेटा, ठीक है। और हमें पता है अगर इस माइनस को मैं प्लस कर दूं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 0.059 अपॉन 2 और लॉग 1/100 की जगह लॉग 100 या लॉग 100/1 करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे बच्चों। क्लियर? ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, 0.6 प्लस 0.059 अपॉन 2 लॉग 100 कितना होता है बेटा, 2, यस और नो? क्लियर? ठीक है, उसकी बात करें 2 से 2 को अगर कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनली 0.6 प्लस कितना बच गया, 0.059। अब ये ध्यान रखना डेसिमल वाली गलतियों से बचने के लिए, डेसिमल के बाद डिजिट को इक्वल कर देना। कैसे, अगर 0.6 था, इसको मैं देखो आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं, 0.600, तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.659 वॉट। समझ में आ गया, यस और नो? नोट करो बेटा फटाफट, देखते हैं किसी का आंसर आया क्या। सर किसका आया, आयुष? ठीक है बेटा, ऋतु? ठीक है, निकिता? ठीक है बेटा, पूजा? ठीक है, आयुष? ठीक है, बाकी जावेद, अमन, निकिता सैनी कहाँ गए बेटा? फटाफट नोट करो, कर लिया बच्चो? अरे बुझाण दे,
उदाहरण दे गया। चलो एक क्वेश्चन और लिखो बेटा, लिखो नेक्स्ट, लिखो कैलकुलेट, लिखो कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu/CuSO4, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu/CuSO4, ब्रैकेट में लिखो बेटा 0.1 m, आगे लिखो इफ E0 Cu/Cu+2 इज इक्वल टू 0.6 volt, इफ E0 Cu/Cu+2 इज इक्वल टू 0.6 volt, हिंदी में लिखो, लिखो Cu/CuSO4 का, और इसके ब्रैकेट में लिख लेना Cu/CuSO4, ब्रैकेट में लिखो 0.01 m का अपचयन विभव ज्ञात करो, का अपचयन विभव ज्ञात करो यदि यदि E0 Cu/Cu+2 इज इक्वल टू 0.6 volt, लिख लिया बेटा। चलो देखते हैं बच्चों क्या करना है, कैसे करना है, क्लियर। सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है बच्चों, Cu/CuSO4, आवाज आ रही है ना, क्या कहा, सबसे पहले क्या दे रखा है Cu/CuSO4, इसका मतलब मैं Cu/Cu+2 में कन्वर्ट कर दूंगा क्या? नहीं बेटा, देखो आपको दे क्या रखा है लेकिन एक्चुअल में चाहिए क्या, ये जरूर ध्यान रखना। मुझे क्या बोला है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बोला है, अपचयन विभव बोला है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, अगर मैं Cu की बात करूं तो Cu जब रिएक्शन करेगा बेटा तो क्या होगा, या तो Cu से Cu+2 में या Cu+2 से Cu में कन्वर्ट होगा। अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, हमें पता है अगर इसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, Cu+2 से Cu में कन्वर्ट करूंगा, क्लियर। तो सबसे पहले रिएक्शन में क्या लिख सकता हूं कि Cu+2 अगर है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा बेटा, Cu में कन्वर्ट होगा, क्लियर। ठीक है बेटा, इसके लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूं तो हमें पता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, उत्पाद बटे क्रिया कारक, तो क्या लिखूंगा, Cu की कंसंट्रेशन अपॉन Cu+2 की कंसंट्रेशन, क्लियर। ठीक है बेटा, अब बात करें बच्चों, देखो हमें कौन सा पूछा है, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो अपना कॉन्सेप्ट क्या होता है रे, E रिडक्शन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, E रिडक्शन नॉट -0.059/n, और क्या लिखेंगे बेटा, लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह मैं क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ Cu अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2। लेकिन मुझे दोनों को काम में लेना है क्या, नहीं बेटा, अपनी स्टाइल में क्या करेंगे, वही ये एनोड और ये कैथोड, एनोड बटा कैथोड, याद है ना। अब हमें पता है दोनों में से क्या करना, एक को ही हमें यूज करना है, तो किसको यूज करेंगे, रिडक्शन की बात कर रहा है यानी कैथोड वाली कंसंट्रेशन को यूज करेंगे, और अपोजिट इलेक्ट्रोड वाली कंसंट्रेशन को कॉन्स्टेंट मानकर इसकी जगह क्या लिखेंगे, एक, क्लियर। ठीक है बेटा, तो अपन क्या लिख सकते हैं, E रिडक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, E रिडक्शन नॉट -0.059/n, लोग इसकी जगह 1 लिख दूं तो क्या लिखेंगे, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2। बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करो बेटा, E रिडक्शन नोट मुझे कितना बोला है, ये 0.6 volt, अरे याद है ना, लेकिन मुझे 0.6 काम में लेना है क्या, नहीं, दे क्या रखा था, इफ E0 Cu/Cu+2, मैंने क्या कहा, जहां तक पॉसिबल हो उसके जानबूझ के अपोजिट देगा, हमेशा अपोजिट दे जरूरी नहीं है, लेकिन जहां तक पॉसिबल हो उसके अपोजिट ही देगा बेटा, क्लियर। लेकिन इसको मैं क्या करूंगा बच्चों, इसका मतलब मुझे चाहिए रिडक्शन वाला, इसने दिया है Cu से Cu+2, लेकिन मुझे रिडक्शन वाला चाहिए तो Cu+2 से Cu करूंगा, क्लियर। इसका मतलब E रिडक्शन नोट की जगह मैं क्या लिखूंगा, जो मुझे 0.6 दे रखा वो काम में लूंगा, या -0.6, अरे ध्यान है ना, तो इसकी जगह क्या लिखूंगा बेटा, -0.6, और क्या हो जाएगा 0.059/n, कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, लॉग, ये कंसंट्रेशन मुझे कितनी बोल रहा है बेटा, 0.1, क्लियर। ठीक है, इसे अगर हम सॉल्व करें बच्चों तो क्या लिखेंगे रे, -0.6, और क्या हो जाएगा, जैसे माइनस 0.059 अपॉन क्या हो जाएगा,
टू, क्लियर। और मल्टीप्लाई बाय लॉग, लॉग कितना बच्चों देखो, ये पॉइंट हटाए नीचे तो ऊपर 10 आएगा, नहीं आएगा, आएगा बच्चों, क्लियर। इसे अगर सोल्व करें बेटा तो देखो 0.6 माइनस के साथ इसको समथिंग में 0.06 कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, अरे 0.059 को ऑलमोस्ट 6 कर सकता हूं, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग 10 कितना होता है बेटा 1, और ये हमें पता है कितना हो जाएगा 0.03, yes or no? तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस 0.6, इसको 0 लिख सकता हूं, और ये कितना हो गया 0.03, यानी मेरा आंसर क्या आ गया, रिडक्शन पोटेंशियल का माइनस 0.63 वोल्ट, समझ में आ गया, क्लियर। नोट करो फटाफट, देखते हैं बच्चों के आंसर आए हैं क्या। किसके आंसर आए हैं, पूजा ठीक है बेटा, आर्यन ठीक है, खुशबू ठीक है, प्रदीप ठीक है, रितु ठीक है, रहमान ठीक है, निकिता ठीक है बेटा, बाकी मनीषा, अमन, निकिता, सैनी, जावेद, आंसर आना चाहिए बेटा। ये आपको मैसेज वाला ऑप्शन इसीलिए ऑन किया है, लाइव इंटरेक्शन हो, आपको पता चले आप कितना कर रहे हो और कैसे कर रहे हो बेटा, गलत हो कोई टेंशन नहीं है। नोट करो फटाफट, लिव डा नोट, अरे छाप लिया क्या, ठीक है। ये तो हमने बेसिक सी बात की बेटा, अपने मेडिकल लेवल पे क्या अगर आपसे ओनली ऑक्सीडेशन या ओनली रिडक्शन पोटेंशियल पूछे तो हमें कैसे करना है बेटा, क्लियर। इस कॉन्सेप्ट पर अगर हमें शानदार क्वेश्चन पूछे तो कैसे करना है, एक क्वेश्चन और लिखो, लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ CU इलेक्ट्रोड, 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 कॉपर इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड, इफ ई नॉट सी यू प्लस टू ऑब्लिक सी यू इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, ई नॉट सी यू प्लस टू ऑब्लिक सी यू इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो बेटा, ब्रैकेट में लिखो, गिवन, क्या गिवन है, लिखो के एस पी ऑफ CuOH whole twice is equal to 1.0 multiplied by 10 to power minus 19 and pH is equal to 14, ये हमें दे रखा है, ओके ठीक है। क्या लिखा, गिवन Ksp of CuOH whole twice is equal to 1.0 multiplied by 10 to power minus 19 and pH is equal to 14, हिंदी में लिखो बेटा, कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड
का अपचयन विभव ज्ञात करो, कॉपर इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव ज्ञात करो, कॉपर इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव ज्ञात करो। यदि E0 Cu+2 Cu = 0.34 वोल्ट, यदि E0 Cu+2 Cu = 0.34 वोल्ट, और ब्रैकेट में लिखो बेटा, दिया गया है कॉपर हाइड्रोक्साइड का KSP बराबर 1.0 × 10⁻¹⁹ तथा pH बराबर 14 है। कर लिए, देखते हैं बेटा कैसे करना है, क्या करना है। शानदार क्वेश्चन है बेटा, समझना अच्छे से, ठीक है, फिर देखते हैं कैसे करना है बेटा। देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, पहली बात तो बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन हो कि सर अगर चल के हमें बोला जाए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ या रिडक्शन पोटेंशियल बताओ, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ई ऑक्सीडेशन या ई रिडक्शन है, बता सकते हैं। लेकिन सर अगर ये नहीं बोला जाए, ओनली ये बोला जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ, तो सर कैसे करेंगे। तो ध्यान रखना बेटा, अगर ओनली बोला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो क्या करना है, आपको जो डाटा दे रखा होता है वो जरूर ध्यान रखना, क्लियर। ये हमें अगर रिडक्शन का दे रखा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है, अगर ये ई नोट वाला ऑक्सीडेशन के लिए बोले तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है, क्लियर। फिर भी बच्चा कहे सर ये भी अगर इंफॉर्मेशन नहीं हो तो मैं क्या बताऊं, तो हमें पता ही है कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो क्या करते हैं बेटा, SRP मानते हैं, स्टार मार्क करके लिखा है था, याद है ना, यानी हमें रिडक्शन पोटेंशियल का आंसर देना है। समझ में आ गया, यस और नो? यहां तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, क्लियर, ठीक है। अब देखो बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमें बोला है रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करो कॉपर इलेक्ट्रोड का, इसका मतलब अगर हम बात करें कॉपर की रिएक्शन की बात करें, तो अगर इसका रिडक्शन होगा तो ये Cu से Cu+2 या Cu+2 से Cu में कन्वर्ट होगा बेटा। तो सबसे पहले इसकी मैं रिएक्शन लिख दूं, इसका रिडक्शन करवा दो, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन = क्या होता है, ये Cu में कन्वर्ट होता है, क्लियर। इसके लिए अगर मैं लिखूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ Cu और क्या लिखेंगे, अपॉन Cu+2, क्लियर, ठीक है। इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं बेटा रिडक्शन पोटेंशियल की, तो क्या लिखेंगे, E reduction = क्या होता है रे, E reduction naught माइनस क्या लिखेंगे, 0.059 अपॉन n, और लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस जगह क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Cu अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2। मैं सारे स्टेप लिख रहा हूं ताकि एवरेज बच्चा भी समझ सके इस बात को कैसे कर रहे हैं, अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो आप बीच के एक दो स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। अपनी स्टाइल में हमें ध्यान है एनोड बटा कैथोड, याद है ना, रिडक्शन की बात कर रहा है तो इस कंसंट्रेशन का कोई काम है क्या, नहीं बेटा, इसका मतलब इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1, काम खत्म। तो अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, E reduction बराबर क्या हो जाएगा रे, E reduction naught माइनस 0.059 अपॉन n, और log इधर 1 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, Cu+2 की कंसंट्रेशन, क्लियर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है और कैसे करना है, क्लियर। अब बच्चे के दिमाग में है सर इसका जैसे ई नोट तो हमें दे ही रखा है, अरे 0.34 वोल्ट बोल रहा है, नहीं बोल रहा, बोल रहा है, ठीक है, रिएक्शन से एन आ ही जाएगा, लेकिन सर ये कहां से लेके आऊं, अब ये मुझे डायरेक्टली दे ही नहीं रखा है, डायरेक्टली नहीं दे रखा, इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के आयनिक से लिंक कर दिया बेटा, याद है ना। और जब दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देता है तभी तो शानदार क्वेश्चन बनता है बेटा, ताकि बच्चे को दोनों चीज पता होनी चाहिए, इस चैप्टर में ऐसे होता है और उस चैप्टर में हमने ऐसे पढ़ा था, क्लियर। कैसे बेटा, KSP की बात करें, आयनिक में अपन ने बात की थी, देखो वहां से अगर मैं हिंट दे ही रखा है तो देखते हैं उसकी हेल्प से हमारे पास Cu+2 की कंसंट्रेशन आ सकती है, नहीं आ सकती है, देखते हैं बेटा। कॉपर हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है, CuOH whole twice, ओके, CuOH whole twice की अगर हम बात करें, हमें पता है ये जब ब्रेक होगा तो क्या बनाता है, Cu+2 और OH- की कंसंट्रेशन, क्लियर, ठीक है। जैसे हमने बात की थी बेटा आयनिक में, इसके लिए अगर हम KSP लिखें किसके लिए, कॉपर हाइड्रोक्साइड के लिए, तो KSP होता क्या है, आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, क्लियर। कॉपर हाइड्रोक्साइड के आयन कौन कौन से बेटा, Cu+2 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई क्या करेंगे, OH- की कंसंट्रेशन, और इसका
होल स्क्वायर, इसका कोफिशियंट 2 है, इस वजह से पावर 2 आएगी बेटा। अरे याद आना, क्लियर? इसका मतलब अब क्या करेंगे, KSP मुझे दे ही रखा है, मुझे क्या चाहिए, Cu+2 की कंसंट्रेशन चाहिए। बच्चा कहेगा सर अब क्या करूं, अगर मेरे पास OH- की कंसंट्रेशन आ जाए, क्या कहा, अगर OH- की कंसंट्रेशन आ जाए बच्चों, तो उसकी वैल्यू पुट करके यहां पर ये पता ही है, तो Cu+2 की कंसंट्रेशन आ सकती है नहीं आ सकती, आ सकती है। अब बच्चा कहे सर वो कहां से कैलकुलेट करूं, तो हमें और हिंट दे रखा है, पीएच की बात कर रहा है। क्लियर? देखो बेटा क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, पीएच, पीएच आपको कितनी बोल रहा है, पीएच बोल रहा है बेटा 14, यस और नो? जब हमें पीएच 14 दे रखी है, तो यहां से एच प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी रे, एच प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल टू 10^-14, यस और नो? अरे पी वाला पावर में एक एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, यस और नो? क्लियर? जब हमारे पास एच प्लस की कंसंट्रेशन 10^-14 है, हमें चाहिए क्या, OH- की कंसंट्रेशन चाहिए, तो जब एच प्लस की कंसंट्रेशन आ गई, तो OH- की कंसंट्रेशन कहां से आ सकती है बेटा, आपको याद है आयनिक में हमने बात की थी कि H+ की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH- की कंसंट्रेशन, दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, मल्टीप्लिकेशन 10^-14 के इक्वल, यस और नो? तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मुझे OH- की कंसंट्रेशन चाहिए बेटा, तो ये कितना होगा, 10^-14 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H+, यस और नो? क्लियर? और यहां तक बात ठीक है बच्चों? तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, अगर मैं OH- की कंसंट्रेशन की बात करूं, तो 10^-14 और H+ कितना आएगा हमारे पास, 10^-14 ये कितना होगा बेटा, 1, यानी मेरे पास OH- की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर? अब वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसका KSP हमें कितना दे रखा है बेटा, 1.0 × 10^-19, यस और नो? क्लियर? ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है, तो Cu+2 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई OH कितना आ गया, 1, और इसका स्क्वायर। क्लियर? तो इनडायरेक्टली मैं क्या कहूंगा, Cu+2 की कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी आ गई, 10^-19, यस और नो? अरे बात समझ में आ गई। अब यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते बेटा, कर सकते हैं, बस अब वैल्यू पुट कर दो, तो क्या लिखेंगे, E reduction = E reduction not, मुझे क्या दे रखा है, 0.34 volt, तो उसका अपोजिट करूंगा ना, नहीं बेटा, मैंने क्या कहा, रट के नहीं रखना है कि हमेशा उल्टा ही करना है, साइन चेंज करना है, मैंने क्या कहा था, जहां तक पॉसिबल हो उसके आपको अपोजिट देगा, लेकिन हमेशा दे ये कोई जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है? हमें क्या बोल रहा है, E0 Cu+2 Cu = 0.34 volt है, यानी इनडायरेक्टली हमें E0 reduction वाला ही दे रखा है। क्लियर? तो उसकी वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो क्या लिखेंगे, -0.34 अब क्या लिखेंगे, 0.059 / n, n कितना है देखो रिएक्शन में, 2, और मल्टीप्लाई बाई क्या लिखेंगे बेटा, log है, log बच्चों देखो क्या लिखना है, 1/Cu+2, हमें पता है Cu+2 की कंसंट्रेशन कितनी आ गई रे, 10^-19, यस और नो? तो क्या कर सकते हैं बेटा, यहां पर -0.34 और कितना आ गया, -0.59 अपॉन क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, 2, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, log 10^-19 ऊपर जाएगा, तो -19 प्लस का हो जाएगा बच्चों। क्लियर? अरे यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा? अब क्या कर सकते हैं, इक्वल टू, देखो ये 0.34 ऐसा कैसा, इसको बेटा अगर मैं क्या करूं, इजी बनाने के लिए 0.06 लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन 2, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 19 log 10, यस और नो? अरे log का रूल क्या होता है, हमें पता है पावर पहले आ जाती है बेटा, क्या लिखा है बोर्ड पे, समझ में तो आ रहा है ना? क्लियर? ठीक है बेटा, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, 0.34 माइनस कितना हो गया, 0.03, 19 log 10 कितना होता है, 1, समझ में आ रहा है बेटा कैसे कर रहे हैं? क्लियर? तो ये कितना हो गया रे, 0.34 माइनस कितना हो गया, 19 को इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, 57, और 0.57 आ जाएगा। क्लियर? बस, और इनका रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का 34 माइनस का 57 कितना बचता है, 23, और डेसिमल लगा दो बेटा, तो -0.34 volt, समझ में आ गया, यस और नो? फटाफट छाप दो, देखते हैं आंसर आए बच्चों के। ठीक है संजीव का क्या है सर, केएसपी कैसे लिखा दोबारा बताना। ठीक है बेटा बताते हैं, आयनिक का कॉन्सेप्ट है ये, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। फिर भी पूजा का ठीक आंसर, प्रदीप का ठीक है बेटा, खुशबू का ठीक है, मनीषा, निकिता, आयुष,
वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, एक्टिव रहो। लाइव क्लासेस का मतलब ही क्या है, आपको एक्टिव रखना, ये नहीं बीच में पॉज कर करके आप देख रहे हो, अगर रिकॉर्डेड होता तो वैसे कर सकते हो, लेकिन हमें लाइव अटेंड करने का मतलब ही क्या है, टीचर के साथ साथ चलना। क्या बताया जा रहा है सर ने, मैं अपनी तरफ से इसका आंसर कैसे दे सकता हूं। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, केएसपी वाला बता देंगे, नोट करो फटाफट। चलो बेटा कर लिए नोट, अरे कर लिए क्या, छाप दिए। चलो तो ये हमने बात की बच्चों, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें घुमा फिरा के कैसे पूछ सकता है, क्लियर। दो क्वेश्चन अपने मेडिकल लेवल के डिस्कस किए, सीधा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल पूछे या फिर एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर हमें पूछे अदर चैप्टर से लिंक करके तो हमें कैसे करना है, क्लियर। जैसे एक बच्चे संजीव का मैसेज आया था, सर ये केएसपी कैसे लिखा जाता है। ओके देखते हैं बेटा, थोड़ा सा समझो इसे। केएसपी एक्चुअली बेटा आइनिक में ही आता है डिटेल से, क्लियर। अपने जो मॉर्निंग बैचेस था बेटा, टारगेट इंग्लिश मीडियम फर्स्ट एंड टारगेट हिंदी मीडियम, उनमें तो आइनिक हिंदी मीडियम में भी नहीं हुआ था शायद, हाँ इंग्लिश मीडियम मॉर्निंग में हुआ था, तो अपना हिंदी मीडियम वाला बैच है, और जो इंग्लिश मीडियम इवनिंग वाला बैच है बेटा उनमें आइनिक में पढ़ाऊंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे, क्लियर। यहाँ जो नाम आ गया बेटा तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। चलो देखो केएसपी, केएसपी होता है बेटा कॉन्स्टेंट होता है किसका, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्युबिलिटी यानी इसे विलेयता गुणनफल बोलते हैं, विलेयता का मतलब होता है कंसेंट्रेशन से ही लेते हैं बेटा, और प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई, ठीक है गुणनफल, क्लियर। विलेयता गुणनफल यानी विलेयताओं का आपस में गुणनफल, क्लियर। यानी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, विद्युत अपघट्य होता है, इसके जो भी आयंस होते हैं, जितने भी आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म, वही उसका केएसपी होता है। कैसे, जैसे यहां हमने क्या लिखा था बेटा, हमने लिखा था कॉपर हाइड्रोक्साइड, ओके इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, ये जब टूटेगा तो Cu+2 और 2OH- बनाता है, क्लियर। तो मैंने क्या कहा, केएसपी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्लियर, विलेयता गुणनफल, सोल्युबिलिटी या विलेयता का मतलब होता है मोलरिटी या कंसंट्रेशन, क्लियर। इसके आयन कौन कौन से हैं बच्चों, इसके आयन है Cu+2 और OH-, इन दोनों को मैं क्या करूंगा, अगर इसके लिए मुझे केएसपी लिखना है तो इनके आयन्स का क्या करो बेटा, कंसंट्रेशन का
प्रोडक्ट कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके आयन कौन कौन है, Cu+2, और दूसरा आयन कौन है, OH- की कंसंट्रेशन, इसका गुणांक 2 है तो पावर 2 बेटा। समझ में आ गया, यस और नो? तो चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, कोई भी वैद्युत अपघट्य हो, आपको करना क्या है, उसके आयन्स देख लो, इस इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य के कैटायन एनायन पॉजिटिव नेगेटिव धनायन ऋणायन कौन कौन से है, उनकी कंसंट्रेशन का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म, क्लियर? कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो और जो भी कोफिशियंट होता है, गुणांक होता है, उसको पावर में यूज करो। समझ में आ गया, यस और नो? और बाकी अपन आयनिक डिटेल से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, और उसमें डिटेल से आएगा, बात समझ में आ गई, यस और नो? तो ये तो अपन ने बात की नेंसेट इक्वेशन, क्लियर? नेंसेट इक्वेशन के लिए सेल ईएमएफ और सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए कैसे करना है, समझ में आ गया, यहां तक क्वेश्चन है सोल्व कर लेना, क्लियर? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, हेडिंग लिखो, लिखो रिलेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम विद डेल जी नॉट एंड ई सेल नॉट, रिलेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम विद डेल जी नॉट एंड ई सेल नॉट, हिंदी में लिखो के ई क्यू, यानी साम्य स्थिरांक का डेल जी नॉट व ई सेल नॉट से संबंध, डेल जी नॉट व ई सेल नॉट से संबंध, लिख लिए हेडिंग, लिख लिया क्या? चलो बेटा समझते हैं बच्चों, देखो जो थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन होती है डेल जी, वैसे थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल से आएगा, तो डेल जी के बारे में बेटा वहां डिटेल से पढ़ना है, और ई सेल अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आया ही है, तो देखते हैं बेटा वन बाई वन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को हम डेल जी और ई सेल से कैसे कोरिलेट करते हैं। बच्चों देखो थर्मोडायनेमिक्स में एक कॉन्सेप्ट आएगा क्या, कि डेल जी जो होता है वो होता है बेटा डेल जी नॉट प्लस क्या होता है आर टी एल एन क्यू, बात समझ में आ गई, कहने का मतलब क्या है, डेल जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है, डेल जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, आर गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर और क्यू है रिएक्शन कांस्टेंट, यानी अभिक्रिया लब्धि, कोई अभिक्रिया कितनी पूर्ण हो चुकी है, केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने डिटेल से करवाया है बेटा ये, क्लियर? बच्चों से नोट्स लेके रिवाइज जरूर करना और पूछना जरूर बेटा, क्लियर? ठीक है बेटा, बात करते हैं तो अपन ने क्या कहा, इसके अकॉर्डिंग बात करिए के ई क्यू का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक, यानी वो कांस्टेंट जिसको कब यूज करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर यूज करते हैं, साम्य अवस्था पर यूज करते हैं बेटा, क्लियर? तो अपन क्या कहते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट, क्या कहा, अगर हम बात करें बेटा इक्विलिब्रियम स्टेट की, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होता है बेटा, हमें पता है डेल जी क्या होता है, जीरो होता है, यस और नो? अरे ध्यान है ना, डेल जी जीरो होता है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पर मैं बात करूं तो क्या लिखेंगे, डेल जी जीरो होता है, एंड जो क्यू होता है रिएक्शन कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, अभिक्रिया कितनी पूर्ण होती है, रिएक्शन कितनी कंप्लीट होती है, यानी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के बराबर। केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने ट्रिक के साथ बताया था बेटा, गुरुकृपा हॉस्पिटल पुलिया पार चाय की थड़ी वाली कंडीशन, अरे याद है ना, वही बात है बेटा, ये कौन सी कंडीशन है, गुरुकृपा हॉस्पिटल वाली बात है बेटा, क्लियर? ठीक है, तो यहां से क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट पर बात करें, डेल जी को मैं जीरो कर दूं तो क्या लिखेंगे बेटा, डेल जी नॉट प्लस क्या हो गया आर टी एल एन, और क्यू किस का क्या लिखूंगा, के इक्विलिब्रियम, क्लियर? ठीक है, इसको इधर लेके आ जाए तो अपन क्या लिखेंगे, डेल जी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, यस और नो? इसे मैं ब्लॉक कर रहा हूं बेटा, बात समझ में आ गई, ठीक है। एल एन मतलब किसका बेस है बेटा, ई का बेस है, क्लियर? ई का बेस है, हमें पता है बच्चों, देखो एल एन मतलब क्या है, लॉग ई बेस, और हमें पता है कैलकुलेशन में ई का बेस यूज करते हैं क्या, नहीं, अपन कौन सा बेस यूज करते हैं, 10 का बेस, तो ई के बेस को 10 के बेस में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, यस और नो? इसका मतलब 2.303 लॉग 10 बेस, और लॉग 10 बेस को ओनली लॉग से भी लिखते हैं, क्लियर? इसका मतलब अगर मैं 10 के बेस में लिखूं तो क्या लिखेंगे, डेल जी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, माइनस आर टी, ऐसा कैसा, और मल्टीप्लाई बाई एल एन किसका क्या लिखूंगा, 2.303 लॉग क्या हो गया बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा, तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग k
के इक्यू समझ में आ गया, यस और नो क्लियर, इसे मैं ब्लॉक कर रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चंस में काम आती है, आ गया समझ में, क्लियर, नोट करो फटाफट। कर लिए बच्चों नोट? अरे कर लिए क्या? ये तो अपने किसकी बात की बेटा, देखो हमें करना है क्या, अपनी हेडिंग देखो, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दोनों से कोरिलेट करना है, यानी डेल जी के साथ और ई सेल के साथ क्या रिलेशन आता है, क्लियर, डेल जी के साथ क्या कॉन्सेप्ट होगा, ये तो अपन ने लिखा है। अब बात करते हैं बेटा ई सेल नोट की, ई सेल दिमाग देखते दिमाग में आ रही होगी नेंसेट इक्वेशन, क्योंकि हमें पता है वहां पर ई सेल नोट भी आता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आता है, क्लियर, ठीक है। तो नेंसेट इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, हमें पता है ई सेल क्या होता है बेटा, ई सेल नोट माइनस 0.059 अपॉन क्या होता है एन, और लॉग क्या होता है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यस और नो होता है बच्चों, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों इक्विलिब्रियम स्टेट पर, तो क्या लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, देखो इक्वेशन को अगर सिंपल बनाना हो तो कैसे करेंगे, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर हमें पता है डेल जी क्या होता है, जीरो होता है, और ई सेल भी क्या होता है, जीरो होता है, अरे याद है ना अपने क्या कहा था, सेल के इक्विलिब्रियम की कंडीशन बेटा, क्लियर, यानी डेल जी जीरो और ई सेल भी जीरो, क्लियर, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, ये अगर जीरो हो जाए तो इसकी जगह जीरो लिखे तो क्या बच गया, ई सेल नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन, और क्या हो गया लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्लियर, ठीक है बेटा। इसको अगर इधर लेके आ जाए तो क्या लिखेंगे, ई सेल नॉट इज इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस के साथ 0.059 अपॉन एन, और लॉग क्या हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यस और नो क्लियर। मुझे क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखेंगे, लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एन को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखेंगे, एन ई सेल नॉट अपॉन क्या हो जाएगा 0.059, समझ में आ गया, ये अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ई सेल नोट के रेस्पेक्ट में वैल्यू आ गई। एन का मतलब वही है नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया के दौरान भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्लियर, ठीक है। और यहाँ से लॉग हटाए तो इधर एंटी लॉग लेते नहीं लेते, लेते हैं बच्चों, तो क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एंटी लॉग ऐसा भी लिख के दे सकता है, एन ई सेल नॉट अपॉन क्या करूंगा 0.059, समझ में आ गया, यस और नो, नोट करो बेटा।
खलिए बच्चो, अरे कर लिया गया। देखो बेटा ये तो अपने क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो इक्वेशन है बेटा वो डेल जी नॉट और ई सेल नॉट के रेस्पेक्ट में क्या होगी, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, सीधा डाटा गिवन होगा और बस आपको कॉन्सेप्ट में वैल्यू पुट करके सोल्व करना है। क्लियर? ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है बेटा, टिक लगाने वाला क्वेश्चन होता है ये। कॉन्सेप्ट मैंने वैसे तो क्या किया, केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने बताया था बच्चों क्या, डेल जी की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो के क्यू होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू वन होती है, लेस देन वन या ग्रेटर देन वन। लेकिन काफी बच्चे नए ऐड हो रहे हैं बेटा, ठीक है, पुराने बच्चों के दिमाग से साफ हो गया होगा, तो इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझना। न्यूमेरिकल तो क्या, जो दो फॉर्मूले हमने ब्लॉक किए हैं इन पर पूछेगा, क्लियर। लेकिन सीधा टिक लगाने वाला क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग कैसे करना है। आप कहोगे सर कैसा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बनेगा, हमें पता है अलग अलग टाइप की रिएक्शन के लिए डेल जी पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल जी नेगेटिव भी हो सकता है, डेल जी जीरो भी हो सकता है बेटा, यस और नो। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमें पूछे ई सेल क्या होगा और के ई क्यू क्या होगा, क्लियर। तो कैसे करना है समझना बेटा इस बात को। आपको याद है डेल जी का कॉन्सेप्ट तो क्या होता है, अभी अपने लिखा जैसे, यानी डेल जी के वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या होगा, किसकी बात करेगा, यानी ई सेल नोट या के ई क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ई सेल नोट तो कैसे आइडिया लगाते हैं, आपको याद अपना कॉन्सेप्ट क्या है, डेल जी नोट इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल नोट, यस ऑर नो, अरे होता है नहीं होता, डेल जी नोट हमें पता है बेटा क्या, किसके इक्वल होता है, माइनस एन एफ ई सेल नॉट, क्लियर। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो मैं बोल सकता हूँ ई सेल क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि बीच में साइन कैसा है, नेगेटिव। डेल जी नेगेटिव है तो ई सेल क्या हो गया, पॉजिटिव। डेल जी जीरो तो ई सेल भी जीरो। मेरा कहने का मतलब क्या है, डेल जी के अकॉर्डिंग ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो क्या होगी, बता सकते हो, क्लियर। लेकिन बात आती है किस पर, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट पर आती है बेटा, ओके। कैसे आती है समझना, एक कॉन्सेप्ट हमने और लिखा है कि डेल जी नॉट इज गुड क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई, मैंने क्या कहा, डेल जी नॉट क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, क्लियर। यहां से अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, एल एन के इक्विलिब्रियम में क्या लिख सकता हूं, माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी, यस ओ नो, ठीक है। एल एन मतलब बेस किसका है बेटा, ई का बेस है, तो लॉग ई बेस के ई क्यू इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी, यस ओ नो। और ई के बेस को हटाना है तो हमें पता है बच्चों, यहाँ से लॉग हटाऊं तो लॉग का रूल क्या होता है, लॉग टेन बेस एक्स इक्वल टू वाई हो तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, 10 टू पावर वाई, यस ओ नो। अरे लॉग एंटीलॉग, कल जैसे एक बच्ची का मैसेज भी आया था लॉग एंटीलॉग में दिक्कत है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने डिटेल से बताया था बेटा, वो दो पेज फिर से जरूर देख लेना। किसी बच्चे के पास वो दो पेज नहीं हो तो मुझे कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं आपको वो दो तीन पेज व्हाट्सअप कर दूंगा, क्योंकि वहां पर लॉग एंटीलॉग देख लोगे। मैंने वहां डिटेल से इसलिए बताए थे क्योंकि लॉग एंटीलॉग ऐसी मैथमेटिक्स वैल्यू है बेटा, वो क्या आयनिक हो, इलेक्ट्रो हो, या फिर केमिकल काइनेटिक्स हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, हर चैप्टर में यूज होगी, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री कि ऑलमोस्ट सभी चैप्टर में यूज होती है, तो उनका बेसिकली आइडिया होना जरूरी है, क्लियर। कैसे, लॉग 10 बेस x यानी एंटी लॉग का पहला रूल क्या होता है, इधर से लॉग हटाना है तो ये बेस दूसरे वाले के बेस में आ जाता है, क्लियर। तो यहां से लॉग हटा दो, 10 का बेस इसके बेस में लगा दो, x इक्वल टू 10 टू पावर y, क्लियर। वैसे ही मैं क्या कर सकता हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ से लॉग हटाएंगे तो बेस किसका है, ई का, तो ई की बेस क्या, ई की पावर क्या हो जाएगी बेटा, माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी, यस और नो, अरे समझ में आ गया, ये इक्वेशन मेरे पास आ गई जब मैंने लॉग हटाया बेटा, समझ में आ गया, क्लियर। अब आप कहोगे सर इसको कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई कैसे करना है समझना बेटा। एक तो मेरे पास क्या, ये जो मेरे पास वैल्यू आई है इसको मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ, के इक्व इक्वल टू क्या लिखेंगे, के इक्व इक्वल टू क्या है बेटा, ई की पावर माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी, इस पावर को मैं डॉट डॉट से लिख रहा हूं। मैंने क्या कहा, पावर को मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, डॉट डॉट से लिख रहा हूं, क्लियर। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि पहले मैं पावर को सोल्व करूंगा, अगर पावर को सोल्व कर लेंगे तो के ई क्यू की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ओके ठीक है। देखो बेटा पावर को कैसे सोल्व करते हैं, मैथमेटिक्स का एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए, क्या कोई भी डिजिट एक्स है अगर उसकी पावर जीरो होती है
तो मैथमेटिकली हम क्या मानते हैं उसे, 1, जैसे 10 की पावर 0 तो क्या लिखते हैं 1, क्लियर। हमें पता 20 की पावर 0 तो भी क्या होता है 1, क्लियर, ठीक है। इसका मतलब किसी डिजिट की पावर 0 होने पर 1 आता है, तो किसी डिजिट की पावर अगर पॉजिटिव होगी तो उसकी वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन 1। मैंने क्या कहा, अगर पावर 0 होती तो उसका रिजल्ट 1 लिखते हैं, तो पावर पॉजिटिव है मतलब 0 से तो ज्यादा है ना, तो 0 पावर होने पर उसका रिजल्ट 1 आता है, तो पावर पॉजिटिव है 0 से ज्यादा तो रिजल्ट भी 1 से ज्यादा, समझ में आ गया, ठीक है। या फिर कोई डिजिट है उसकी पावर नेगेटिव है, क्या कहा, उसकी पावर क्या है बेटा नेगेटिव, तो उसका रिजल्ट लिखा जाता है लेस देन 1। मैंने क्या कहा, आप कहोगे सर ये लेस देन 1 कैसे आ गया, तो इसका रीजन क्या होता है, अगर पावर 0 है किसी डिजिट की तो उसके लिए 1 मानते हैं, पावर 0 होने पर 1 मानते तो पावर नेगेटिव हो, अरे नेगेटिव वैल्यू 0 से तो कम होगी, तो पावर 0 होती तो उसका रिजल्ट 1 होता, तो पावर नेगेटिव है इसका मतलब 1 से कम रिजल्ट आएगा, समझ में आ गया, यस और नो, ये मैथमेटिक्स का रूल है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्लियर। इसके अकॉर्डिंग मैं अप्लाई करके देखता हूं कि डेल जी की अलग अलग वैल्यू के अकॉर्डिंग के की वैल्यू कैसे आती है, समझना इस बात को। हमें पता रिएक्शन के अकॉर्डिंग है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग डेल जी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है बेटा, कैसे, इफ डेल जी नेगेटिव, मैंने क्या कहा, इफ डेल जी नॉट, डेल जी नॉट अगर नेगेटिव हो तो मैंने डॉट डॉट की फॉर्म में क्यों लिखा है, पहले पावर को सोल्व करेंगे, अगर डेल जी नॉट नेगेटिव है तो मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी, देखो पहले पावर को सोल्व कर रहा हूं, डेल जी नॉट अगर नेगेटिव आ गया तो माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा या नहीं होगा बेटा, यस और नो, बात समझ में आ गई, इसका मतलब एज रिजल्टेंट पावर पॉजिटिव के साथ आ गई, इसका मतलब अगर इसकी पावर पॉजिटिव है, इसकी पावर फाइनली पॉजिटिव आ गई तो e की पावर माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी, ये किसके इक्वल आएगा, पावर पॉजिटिव आने पर वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1, यस और नो, अरे बात समझ में आ गई, इसका मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई तो ये किसके इक्वल है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, समझ में आया बेटा, यस और नो, क्लियर, ठीक है। एक हमें पता है कंडीशन के अकॉर्डिंग डेल जी नॉट क्या हो सकता है बच्चों, अरे पॉजिटिव भी हो सकता है नहीं हो सकता, अगर डेल जी नॉट पॉजिटिव है तो इस पावर को सोल्व करूं तो देखो क्या लिखेंगे कि माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी, अगर डेल जी नॉट पॉजिटिव वैल्यू के साथ है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव, येस और नो, यानी पावर नेगेटिव आ गई तो ई के साथ अगर इसे लिखूं, इसका मतलब ई की पावर माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी, अगर इसकी पावर नेगेटिव है तो पूरे की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, यस और नो, इसका मतलब इसकी वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तो ये किसके इक्वल है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होगा, लेस देन 1 होगा, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है। एक कंडीशन हमें क्या दे सकता है, रिएक्शन की कंडीशन के अकॉर्डिंग, अरे डेल जी नॉट 0 हो सकता नहीं हो सकता, हो सकता है बेटा, इसका मतलब ये 0 हो गया तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी, जीरो से डिवाइड करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नो, ये वैल्यू डॉट डॉट में, जो मैंने पावर को डॉट डॉट में देखो बेटा लिया है, तो क्या होगा, ये 0 हो गई, इसका मतलब पावर 0 हो गई, तो इस पूरे की वैल्यू ई की पावर माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी, किसी की पावर 0 होना उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, समझ में आ गया, यस और नो, इसका मतलब ये वैल्यू अगर 1 आ गई तो यह किसके इक्वल है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो ये भी क्या होगा, 1 होगा, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। तो ये खाली समझने का तरीका था बेटा, कैसे आया, मुझे रिजल्ट दिमाग में क्या सेट रखना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो क्या लिखेंगे, इफ डेल जी नॉट अगर नेगेटिव, क्या कहा, डेल जी नॉट अगर नेगेटिव हो, डेल जी नॉट अगर नेगेटिव तो ई सेल क्या आएगा बेटा, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ई सेल नॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा बेटा, यस और नो, ई सेल नॉट क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर डेल जी नॉट नेगेटिव आ रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1, यस और नो, क्लियर, ठीक है। एक कंडीशन हमें क्या दे सकता है बेटा, इफ डेल जी नॉट, इफ डेल जी नॉट इज इक्वल टू पॉजिटिव, डेल जी नॉट अगर पॉजिटिव है तो हमें पता है माइनस साइन है तो क्या होगा, ई सेल नॉट, ई सेल नॉट किसके साथ होगा रे, ई सेल नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव, क्लियर, और डेल जी नॉट अगर नेगेटिव है तो देखो बेटा ये के क्यों क्या आ रहा था, ग्रेटर देन 1, डेल जी नॉट अगर पॉजिटिव होगा तो के क्या आएगा, लेस देन 1, यस और नो, क्लियर, ठीक है। एक कंडीशन हमें क्या दे सकता है बेटा,
डेल जी नोट क्या दे सकता है, जीरो भी आ सकता है। ये अगर जीरो हो गया तो देखो एन एफ को इससे डिवाइड करेंगे तो ई सेल नोट भी क्या आ जाएगा, ई सेल नोट इक्वल टू जीरो। ई सेल नोट जीरो आ गया तो हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल जी नोट जीरो होने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, इक्वल टू वन। समझ में आ गया, यस और नो, ये कंडीशन है बेटा, ये डायरेक्टली लिखाया जाता है नॉर्मली, ऐसा होगा तो ये होगा और वैसा होगा तो ये होगा, लेकिन कैसे होगा रटने की जरूरत नहीं, अपन इस बात को प्रूफ भी कर सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर। मैंने बच्चों की तरह एक एक चीज आपको डिराइव करके बताइए, ऐसा हो तो ये होगा, वैसा हो तो ये होगा, लेकिन कैसे करना, समझ में आ गया, क्लियर। नोट करो फटाफट, कर लिए बेटा नोट। अरे कर लिए क्या बच्चों, देखो कैसे करना है क्या करना है, ये तो समझने का तरीका है, लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट मैंने ब्लॉक किया है इसको दिमाग में सेट जरूर रखना बेटा। सीधा टिक लगाने वाला क्वेश्चन बनता है कि ये हो तो ये क्या करना, वो हो तो ये क्या करना। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है। चलो अरे बुझान दे क्या,
चलो बेटा कैसे करना है, क्या करना, समझ में आ गया, क्लियर? ठीक है, चलो इस पे एक शानदार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कैसे हमें पूछ सकता है, क्या करना है बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो, इस पर लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। हमें क्या दे रखा है बच्चों, Cr2O7-2 aqueous। क्वेश्चन लिखो, Cr2O7-2 aqueous प्लस 14H+ aqueous प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, क्या बोल रहा है बेटा ये, 2Cr+3 aqueous प्लस 7H2O लिक्विड। और इसके आगे लिखा है बेटा E0 इज इक्वल टू इसने बोला है 1.33 वोल्ट। क्लियर? ठीक है, हिंदी वाले भी लिखो बेटा, हिंदी में भी रिएक्शन ऐसे ही लिखते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे लिखो, 2I-aqueous इज इक्वल टू I2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए लिखा है बेटा E0 इज इक्वल टू -0.54 वोल्ट -0.54 वोल्ट। ठीक है, तो आगे लिखो, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KEQ, then calculate the value of KEQ and del G naught। दो वैल्यू मुझे पूछ रहा है बेटा, कौन कौन सी, एक तो क्या बोल रहा है KEQ, एक कौन सी बोल रहा है del G naught की बात कर रहा है। Calculate the value of KEQ and del G naught for cell, del G naught, KEQ and del G naught for cell by given cell reactions, by given cell reactions। हिंदी में लिखो बेटा, रिएक्शन तो लिख ली होगी, लिखो, दी गई सेल अभिक्रियाओं के द्वारा KEQ, सेल के लिए KEQ तथा डेल जी नोट का मान ज्ञात करो। दी गई सेल अभिक्रियाओं के द्वारा सेल के लिए KEQ तथा डेल जी नोट का मान ज्ञात करो। चलिए ठीक है, देखते बच्चों कैसे करना है, क्या करना है बच्चों। अरे लिख लिया, लिख लिया। सबसे पहले बच्चों देखो, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए मैंने इसमें क्या किया बेटा, देखो जानबूझ के आपको क्या किया, यानी रिएक्शंस ऐसे इक्वेशंस बड़ी बड़ी लिख के दे दी बच्चों, रिएक्शन है कंफ्यूज करने के लिए, ताकि बच्चा डर जाए करना कैसे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं बेटा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत ईजी है। क्लियर? सबसे पहले ये देखो मुझे गिवन क्या है, एक ई नोट ये, एक ई नोट ये। क्लियर? ठीक है, और मुझे पूछा क्या है, KEQ डेल जी नोट। बच्चे के दिमाग में आए क्या, अगर मेरे पास ई सेल नोट आ जाए स्टैंडर्ड, हमें पता है बेटा सेल EMF आ जाए तो उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ सकता है, नहीं आ सकता। आपको याद अपने लिखा क्या, लॉग एक क्या होता है, लॉग के इक्वल टू क्या होता है, NE सेल अपॉन 0.059, यस और नो आ जाएगा, उससे हमारे पास KEQ आ सकता है। जब KEQ आ जाए तो डेल जी नोट आ सकता है, नहीं आ सकता। आपको याद है हमने लिखा बेटा डेल जी नोट के लिए क्या, डेल जी नोट क्या होता है, -2.303 RT लॉग KEQ। समझ में आ गया, इसका मतलब एक बात तो श्योर है, मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ई सेल नोट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, ये मुझे क्या दे रखा है। बच्चा कहेगा सर ई सेल नोट की फॉर्म में किसका मुझे यूज करना है, ये यूज करूं या ये यूज करूं, दोनों को ही यूज नहीं करना, दोनों की हेल्प से ई सेल नोट कैलकुलेट करना है। आप कहोगे सर कैसे, तो ध्यान रखना बेटा, हमेशा इस चीज को अच्छे से समझो, कैसे। मुझे देखो दे क्या रखा है, इस रिएक्शन में
प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड है, मतलब सिक्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्लियर, सिक्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अरे बात समझ में आ रही है ना, मैंने क्या कहा, सिक्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन, और यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यानी देखो प्रोडक्ट साइड है, इसका मतलब टू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, टू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अरे याद है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करना, रिएक्टेंट की साइड प्लस होना मतलब रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लॉस करना यानी प्रोडक्ट की साइड होना, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। आ गया समझ में, इसका मतलब एक रिएक्शन मुझे रिडक्शन की दे रखी है, दूसरी रिएक्शन मुझे दे रखी है ऑक्सीडेशन की, क्लियर। तो इनका पोटेंशियल मेरे पास आ गया नहीं आ गया, जो रिडक्शन की रिएक्शन है वो रिडक्शन पोटेंशियल, और जो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है वो क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्लियर। इसको समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, यस ऑर नो, क्लियर। चलो बेटा इसे सोल्व करके देखते हैं। अब देखो बेटा कहां कहां आपसे गलती करवा सकता है, सबसे पहले अरे नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल कर लेना रिएक्शन को बैलेंस करके, क्लियर। कैसे, अरे देखो इस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है तो हमें पता है ये सिक्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और ये देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन ये क्या कर रहा है, टू इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं बच्चों, क्योंकि हमें पता है रिएक्शन बैलेंस कब होगी, जब ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है रिडक्शन में उतने इलेक्ट्रॉन का ही गेन हो। आ गया समझ में, क्लियर। कैसे, यहाँ रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कब होंगे, जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्लियर। ये सिक्स इलेक्ट्रॉन गेन कब करेगा, जब दूसरा सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तब, जबकि यहाँ पर तो कितना कर रहा है, टू ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, येस और नो। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, अरे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, याद है ना बेटा। तो अपन ने क्या कहा था, दोनों में से किसी एक को या दोनों रिएक्शन को किसी सुटेबल कोफिशियंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, अगर एक को मल्टीप्लाई करके काम हो रहा है तो एक को करेंगे, अदरवाइज दोनों को करेंगे बेटा, क्लियर। देख सकते हैं, अगर मैं इक्वेशन सेकंड को थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं तो इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल आएगा नहीं आएगा, आएगा बच्चों, क्लियर। तो मैं क्या देखो बेटा, इक्वेशन टू मल्टीप्लाई में क्या कर रहा हूं, थ्री, बात समझ में आ गई। इसका मतलब इक्वेशन टू को मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो बेटा क्या लिखेंगे, टू आई माइनस, अपनी रिएक्शन क्या है, टू आई माइनस एक्वास इक्वल टू थ्री आई यानी आई टू गैस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आई क्या, ये मेरी इक्वेशन है तो इसके अकॉर्डिंग मैं लिखूं। और ई नॉट कितना दे रखा है इसने, ई नॉट इसने दे रखा है 0.054 वोल्ट, यस और नो, ठीक है। इसको मैं थ्री से मल्टीप्लाई करके लिख दूं बेटा तो कितना हो जाएगा रे, सिक्स आई नॉट एक्वास माइनस क्या हो जाएगा, थ्री आई टू गैस और प्लस क्या हो जाएगा, सिक्स इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और इसका ई नोट भी क्या करूंगा, थ्री से मल्टीप्लाई करके लिख दूं ना, ये माइनस के साथ है क्या बेटा, यानी क्या दे रखा है ये, माइनस 0.54 वोल्ट, क्लियर, ठीक है। इसको मैं क्या करूं बेटा, अरे माइनस से मल्टीप्लाई करके देखो, थ्री से मल्टीप्लाई करूं क्या, नहीं, एक एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है जहां गलती होती है, याद है ना, क्या किसी कोफिशियंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता बेटा, ध्यान रखना, एक एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है। इसका मतलब ई नोट तो क्या रहेगा, वही रहेगा, माइनस 0.54 वोल्ट, समझ में आ गया, यस ओ नो, क्लियर। इसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन थर्ड, समझ में आ गया, क्लियर। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं बेटा, इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, इक्वेशन वन है, इक्वेशन वन में हमें पता है क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यस और नो, रिडक्शन हो गया, इसका मतलब ये रिएक्शन किस पर होगी रे, कैथोड पर होगी, यस और नो, ठीक है। इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थर्ड की मैं बात कर रहा हूं बेटा, इक्वेशन थर्ड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये रिएक्शन किस पर होगी बेटा, एनोड पर होगी, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बात करूं, इसका मतलब मेरे पास जो पोटेंशियल है बेटा, तो ये वाला पोटेंशियल कौन सा होगा, ई रिडक्शन नोट है, समझ में आ गया, और ये वाला जो पोटेंशियल दे रखा है बेटा, ये ऑक्सीडेशन है, पोटेंशियल है, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है। इसका मतलब मुझे पूरे सेल के लिए ई सेल नोट चाहिए, तो अपन क्या कहते हैं बेटा, ई रिडक्शन, ई रिडक्शन क्या करते हैं, कैथोड माइनस ई रिडक्शन क्या करते हैं बच्चों, एनोड करते हैं, यस और नो, अरे बात समझ में आई ना, क्लियर, ठीक है। अब अपन क्या कहेंगे, यानी सेल के लिए, सेल के लिए अगर अपन ई सेल नोट कैलकुलेट करें तो देखो, ई रिडक्शन कैथोड, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा,
इक्वेशन वन वाली के लिए मुझे क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, और इसने दे भी क्या रखा है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है बेटा। इसका मतलब क्या लिखेंगे, ये तो ऐसा कैसा 1.33 माइनस अब क्या लिखेंगे, ई रिडक्शन एनोड, एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, थर्ड वाली इक्वेशन देखो बेटा, इसका मतलब इसका पोटेंशियल वैल्यू पुट करें क्या, नहीं बच्चों, ये जो दे रखा है देखो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, मतलब क्या है, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जबकि मुझे क्या चाहिए इसका, रिडक्शन पोटेंशियल, यस और नो। तो क्या करूंगा, साइन चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, -0.54 की जगह मैं क्या लिखूंगा, +0.54 वोल्ट। समझ में आया कैसे किया, यस और नो, कहां कहां सिली मिस्टेक करवा सकता है, याद है ना, ठीक है, तो अच्छे से करना है बेटा। तो क्या करेंगे, 1.33 प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो गया 0.54, तो यहां से क्या लिखूंगा, ई सेल नॉट, ई सोल, देखो बेटा इससे करें कितना आ जाएगा, 0.79 आ जाएगा क्या, 80, ठीक है बेटा, यानी कितना आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, 0.79 वोल्ट। समझ में आ गया, यस और नो, ये मेरा आंसर है क्या, नहीं, ये तो मेरे पास ओनली ई सेल नोट आया है, अभी तो मुझे क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो हमें पता है लॉग के क्यू क्या होता है बेटा, एन ई सेल नोट अपॉन क्या करते हैं, 0.059, यस और नो, होता है बच्चों। तो इसकी वैल्यू पुट करें, एन कितना है, 6, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन इन सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन में 6 का लॉस, रिडक्शन में 6 गेन, क्लियर, एन ई सेल ये हमारे पास कितना है, 0.79 अपॉन कितना है बेटा, 0.059 को मैं देखो बेटा, 0.059। अब अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, देखो लॉग के इक्यू, लॉग के इक्यू की मैं बात करूं बच्चों, देखो ऑलमोस्ट क्या कह सकते हैं, देखो अगर 0.06 होता, देखो थोड़ा सा दिमाग काम में लेके चाणक्य नीति से कैसे कर सकते हैं, वरना कैलकुलेशन में अटक जाओगे, समझना बेटा कैसे, अगर ये 0.06 होता तो 6 से इसको उड़ा दूं कितना बचता, पॉइंट हमें पता बेटा कितना बचता, अरे 0.01 आता नहीं आता, यस और नो, बात समझ रहे हो, मैंने क्या कहा, अगर 0.06 होता तो 6 से कैंसिल आउट होकर कितना आता, 0.01, पॉइंट से पॉइंट को काट देते बेटा कितना आता, 79 आ जाता, क्लियर। लेकिन देखो बेटा ये 0.06 से कम है, 0.06 से कम है, इसका मतलब अपना रिजल्ट 0.01 से थोड़ा सा कम होगा, और अगर 0.01 से थोड़ा सा कम होगा तो हमें पता है 0.01 से डिवाइड करते तो यहाँ 79, लेकिन 0.01 से थोड़ा कम है उससे डिवाइड करेंगे तो 79 से थोड़ा सा ज्यादा बेटा, क्लियर, मैं ऑलमोस्ट मान के लिख रहा हूं 79.6 लिख रहा हूं, सपोज करो बेटा, समझ में आया यहां तक, यस और नो। और यहां से लॉग हटाएंगे तो उधर क्या लेंगे, एंटी लॉग, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एंटी लॉग क्या हो जाएगा, 79.6। अरे यहां तक बात समझ में आई क्या, क्लियर, ठीक है बेटा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे बेटा, इसका एंटी लॉग लेने का रूल क्या होता है, याद है ना, एंटी लॉग के एक एक रूल भी मैंने लिखाए हैं, याद हो तो, क्या अगर डेसिमल एंटीलॉग का कौन सा रूल यूज करेंगे, थर्ड वाला, प्लस के साथ हो और डेसिमल के साथ हो, अब इसका मतलब क्या करते हैं, डेसिमल वाला तो क्या करते हैं बेटा, एंटीलॉग वैल्यू, अरे क्या करते हैं, डेसिमल वाला तो क्या करते हैं बेटा, डेसिमल के बाद वाला एंटीलॉग वैल्यू, और बिफोर डेसिमल को अपन क्या करते हैं, पावर ऑफ 10, यस और नो, अरे याद है ना, पावर ऑफ 10, केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने एक एक चीज लिखाई थी, याद है बोर्ड पे जो कैमरे में आ तो रहा ना, बोर्ड पे जो लिखा है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, एंटी लॉग का थर्ड रूल अप्लाई करेंगे, डेसिमल के साथ और प्लस के साथ हो तो क्या लिखेंगे, जो डेसिमल के आफ्टर डेसिमल वाली वैल्यू की एंटी लॉग वैल्यू, बिफोर डेसिमल क्या करेंगे, पावर ऑफ 10, इसका मतलब अपना रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो बेटा, अरे 0.6 एंटी लॉग में किसकी वैल्यू होती है बच्चों, देखो अगर log 4 होता है तो उसका रिजल्ट कितना आता है, 0.6, तो एंटी log 0.6 कितना होगा, 4, तो क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय, इसको 10 की पावर में लिख दो, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 79, समझ में आ गया कैसे किया, यस और नो, क्लियर, अरे यहां तक कोई डाउट, ठीक है बेटा, नोट करो फटाफट,
आयुष क्या कहा, इसको अपन ने क्या बनाया है, माइनस 0.54 को प्लस 0.54 क्यों बनाया है, ऑक्सीडेशन ही तो है पहले से ही। बात सही है बेटा तेरी, देखो ये क्या दे रखा है, ये इसका ऑक्सीडेशन वाला पोटेंशियल बेटा दे रखा है, आवाज आ रही है ना, ये इसका कौन सा दे रखा है, ऑक्सीडेशन वाला पोटेंशियल दे रखा है। जबकि हमें क्या चाहिए, ई सेल नोट कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, दोनों ही रिडक्शन वाले लेते हैं। अरे कैथोड वाला ये तो पहले से रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, लेकिन एनोड पर भी हमें रिडक्शन वाला चाहिए, दोनों सेम यूनिट में तो लेते हैं, ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड। जबकि ये कौन सा दे रखा है, हमें एनोड वाला भी रिडक्शन चाहिए, इसने क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन वाला पोटेंशियल दे रखा है। इस वजह से माइनस 0.54 को अपने क्या किया बेटा, प्लस 0.54 लिया। मैंने क्या कहा था, कदम कदम पे बारूद बिछा बेटा, बहुत ज्यादा चांसेस होंगे एक्चुअली मिस्टेक के, लेकिन कैसे करना है एक एक चीज समझ के। क्लियर, नोट करो। ओ सर आ गया, वेरी गुड। कर लिया बेटा नोट, कर लिया गया। चलो बेटा, तो ये तो अपने किसकी बात की, जैसे ये जो हमें रिएक्शंस दे रखी थी इस सेल के लिए, के इक्यू की वैल्यू क्या आ गई बेटा, क्लियर। तो मैंने क्या कहा था, डायरेक्टली जैसे मेडिकल लेवल पे अपन बात करें, एन इतना है, ई सेल इतना, के क्या होगा, तो वो टाइम पास की हमें जरूरत नहीं है बेटा। कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ लिया, कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो ऐसे क्वेश्चन तो सीधे एक स्टेप वाले तो आप इजीली कर सकते हो बेटा। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। चलो ये तो हमने किसकी बात की, हमारे पास के ई क्यू आ गया। हमें पता है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें पूछी है, क्या, एक तो के ई क्यू, एक क्या पूछा है बेटा, डेल जी नॉट, क्लियर। अब देखते हैं बच्चों, के ई क्यू हमारे पास जो आया उससे डेल जी नॉट आ सकता है नहीं आ सकता, आ सकता है बेटा। आपको याद है हमने कॉन्सेप्ट लिखा है क्या, डेल जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, -2.303, और क्या करते हैं, आर टी लोग के इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से डेल जी नोट की अगर मैं बात करूँ, तो डेल जी नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2.303। आर हमें पता है गैस कांस्टेंट होता है, उसकी कई सारी वैल्यूज होती है बेटा, याद है क्या, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल इंटू केल्विन, 0.0831 लीटर बार पर मोल इंटू केल्विन, 8.314 मल्टीप्लाई बाय 10^3 लीटर पास्कल पर मोल इंटू केल्विन, 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। याद है ना, एक एक चीज मैंने बताई है, कौन सी तुम्हें कहां यूज करनी है। अगर सॉल्यूशन की बात करें बेटा, तो अपन क्या करते हैं, लीटर एटीएम वाली यूनिट यूज करते हैं, 0.0821, क्लियर। लेकिन जहां एनर्जी की बात आ जाए, वो लास्ट वाली दो यूनिट जूल और कैलोरी वाली वैल्यू यूज करते हैं, याद है ना, या तो 8.314 या फिर 2, आ गया समझ में, क्लियर। कुछ ना बोले तो मैं जूल वाली वैल्यू अगर यूज करूं तो क्या लिखेंगे, 8.314 जूल पर मोल इनटू केल्विन, क्लियर, ठीक है। टी टेम्परेचर नहीं दे रखा, तो हमें पता है नोट वाली कंडीशन है, वैसे भी हमें पता है नोट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन, रूम टेम्परेचर प्रेशर। तो कितना मानूंगा, 25 डिग्री सेल्सियस मान के करूं तो 298 केल्विन होगा बेटा, क्लियर। मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, लॉग के इक्यू कितना आया,
4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 79, यस और नो, क्लियर? अरे बात समझ में आई क्या? ठीक है बेटा, इसके अकॉर्डिंग बात करें बच्चों तो अपन देखो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले केल्विन से मैं केल्विन को उड़ा दूं बेटा, ठीक है? तो लॉग 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 79, इसको मैं अलग से सॉल्व करके लिखूं तो देखो क्या लिखेंगे, लॉग 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 79, देखो कैसे करना है। लॉग का रूल क्या होता है, मल्टीप्लाई हो तो प्लस कर दो, तो log 4 प्लस क्या होगा, log 10 टू पावर 79, यस और नो, ठीक है बेटा? तो क्या लिखेंगे, log 4 और पावर पहले आ जाएगी तो क्या लिखेंगे, 79 log 10, यस और नो, क्लियर? log 4 कितना होता है बेटा, 0.6 प्लस 79, log 10 कितना होता है, 1, तो मैं क्या लिखूंगा, ये कितना आ गया, 79.6, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, इसको मैंने अलग से सोल्व कर लिया है बेटा, क्लियर? ठीक है, तो यहाँ अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, देखो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो देखो डेल जी नॉट इज इक्वल टू, बच्चों देखो करने का तरीका याद है ना, अपनी चाणक्य नीति से करे बेटा, कैसे याद है, मैंने देखो बच्चों जैसे केमिकल काइनेटिक्स में मैंने कहा था क्या, 2.303 8.314, कई जगह मैं बताता हूँ इसको डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, 19.2, यस और नो, याद है ना, 19.2 हो गया, और 19.2 यानी ये कितना आ गया, 19.2 मल्टीप्लाई बाई, इसको ऑलमोस्ट मान के कर रहे हैं बेटा, अपनी चाणक्य नीति से कर लो, इसको मैं ऑलमोस्ट क्या मान रहा हूँ, 300 मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई क्या हो गया, 79.6, और जूल पर मोल ये बच ही गया, क्लियर? ठीक है बेटा, देखो इजी वे में करें तो कैसे, 19 को अगर 3 से करूं तो बेटा कितना आता है, 57, यस और नो, अरे 57 आता है बेटा, उससे थोड़ा सा ज्यादा है, समथिंग मैं मान रहा हूं 58, आगे 20 मल्टीप्लाई क्या कर रहा हूं, 79.6, देखो अपनी चाणक्य नीति से कैसे करते हैं, देखो 5800 की बजाय अगर ये 6000 होता, इजी वे में समझना, अगर ये 6000 होता, ये 6000 यानी 6000 और इसको 80 मान के चलो बेटा, तो देखो 3 जीरो यहां पर, 1 जीरो यहां पर, इसको छोड़ दो, 6 और 8 ये कितना होता, 48, और 48 के आगे 40 आते, लेकिन हमें पता है ये 80 से कम है, ये क्या 60 से कम है बेटा, यस और नो, इसका मतलब क्या, अरे 48 के आगे 48 आएगा क्या, नहीं, उससे थोड़ा कम कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 45, अब आगे 40 लगा दो जूल पर मोल, समझ में आया बेटा, यस और नो, क्लियर? किलो जूल में करे तो मैं ऑलमोस्ट क्या कर सकता हूं, 45, और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 4, किलो लगाने के लिए मुझे पता है 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये किस में आ जाएगा, किलो जूल पर मोल, यानी ऑलमोस्ट मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये 10 टू पावर हमें पता कितना बच गया, +1, यानी कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 450 किलो जूल पर मोल, समझ में आ गया कैसे किया, यस और नो, क्लियर? नोट करो बेटा फटाफट, नोट करो फटाफट। बेटा अरे बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो ये अपने बात की बच्चों, इस पे घुमा फिरा के हमें कैसे पूछ सकता है, एक ही क्वेश्चन में मैंने 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जिसमें हमें कैलकुलेशन सिली मिस्टेक सबका ध्यान रखना है बेटा, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर? ठीक है बेटा, ये अपने बात की नेंसेट इक्वेशन और उसका यूज करते हुए अपन जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल जी नॉट ई से नॉट इनको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, क्लियर? चलो बेटा आगे बढ़ते जिंदगी में, हेडिंग लिखो स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे बोलते हैं बेटा एस एच ई या एन एच ई, हिंदी में लिख सकते हो मानक या सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक या सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक या सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, लिख लिया बेटा हेडिंग। चलो देखो बेटा मेरे साथ साथ इसका एक डायग्राम बनाओ बेटा, कैसे इसमें नॉर्मली क्या होता है बेटा, जैसे मान लो ये कंटेनर होता है बेटा, ओके मान लो ये कंटेनर होता है, एक हम कंटेनर बना रहे हैं, क्लियर, ठीक है। इस कंटेनर में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड होता है बेटा, ये जैसे इसमें प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा है, क्लियर, ठीक है। इस कंटेनर को मैं पैक कर रहा हूँ, ठीक है, इस कंटेनर को हमने पैक कर दिया बेटा, ये मान लो पैक कर दिया, यहाँ गैस पास करने के लिए अपने बेटा ट्यूब रखी है, और ये मान लो ये इसका इलेक्ट्रोड है, क्लियर, ठीक है। इसमें अपन ने क्या है, सॉल्यूशन फील किया है, ये इसका सॉल्यूशन है, क्लियर, ठीक है। ये मान लो अपने लिया है 1 mm HCl सॉल्यूशन, क्लियर, ठीक है बेटा। अब अपन क्या बात कर रहे हैं बेटा, इसमें अपन क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, H2 गैस पास करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हैं तो हमें पता है कंसंट्रेशन कितनी 1 mm लेते हैं बेटा, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा है तो प्रेशर कितना होगा 1 atm होगा, यस और नो, प्रेशर कितना होगा 1 atm, और टेम्परेचर कितना होगा बेटा रूम टेम्परेचर, प्रेशर की बात कर रहा है तो 25 degree Celsius, बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है बेटा। और यहाँ बात करते हैं बच्चों ये क्या है, इसका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है। अब अपन बात करें बेटा देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो सबसे पहले बेसिकली आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, ये क्या होता है, कैसे होता है, ओके। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो सबसे मेजर यूज होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज एज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड विद अदर इलेक्ट्रोड्स, मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं बेटा, अदर इलेक्ट्रोडों के साथ क्या करते हैं, प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लिया जाता है। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब क्या होता है, उसके रेस्पेक्ट में, यानी किसी के साथ कंपेयर करके यूज करना बेटा, ओके। आप कहोगे सर कैसे, तो आपको याद है बेटा जब नेंसेट इक्वेशन की बात कर रहे थे तो अपन ने क्या लिखा था कि किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है सेल सर्किट कंप्लीट होगा क्या, नहीं, तो क्या करते हैं, अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रोड दे रखा हो तो उसके साथ क्या करेंगे, कोई दूसरा इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और वो दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा है, यही है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्यों बोला है, सबसे पहले इसको यूज करेंगे। आप कहोगे सर सेकेंडरी कौन से आ गए, तो सिल्वर इलेक्ट्रोड हो गया, कैलोमल इलेक्ट्रोड हो गया, वो सेकेंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड की फॉर्म में होते हैं बेटा, ठीक है, नोट लगा के लिखाऊंगा, लेकिन ये हमारे बहुत काम आता है। तो क्या कहा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, किसी अदर इलेक्ट्रोड के साथ इसको प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की फॉर्म में यूज किया जाता है, क्लियर, ठीक है बेटा। एक अपन क्या करेंगे, अब आप कहोगे सर ठीक है ये प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की फॉर्म में तो यूज होगा, किसी अदर के साथ तो ऐड करेंगे, तो सर ये अदर के साथ ऐड करेंगे तो एक बात तो श्योर है, साथ में कोई दूसरा इलेक्ट्रोड है और एक ये खुद होगा, तो दो इलेक्ट्रोड में से हमें पता है एक होगा एनोड दूसरा होगा कैथोड, तो सर ये किसकी फॉर्म में बिहेव करेगा, कैथोड की फॉर्म में या एनोड की फॉर्म में, तो ये ध्यान रखना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है बेटा वो कैथोड की फॉर्म में भी बिहेव कर सकता है और एनोड की फॉर्म में भी बिहेव कर सकता है, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। ये दो स्टेटमेंट लिखो बेटा, फिर इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, ओके लिखो बेटा फटाफट, लिखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज्ड एज, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज्ड एज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज्ड एज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड विद अदर इलेक्ट्रोड्स, विद अदर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। हिंदी में लिखो, लिखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अन्य इलेक्ट्रोडों के साथ, अन्य इलेक्ट्रोडों के साथ प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अन्य इलेक्ट्रोडों के साथ प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त
किया जाता है। ओके, कैसे करेंगे, क्या करेंगे बेटा, चलो क्लास का टाइम हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है। बाकी यहां तक जो इससे पहले हमने क्वेश्चन वगैरह किए नेंसेट इक्वेशन डेल जी नॉट इज सेल नॉट के इक्यू, यहां तक क्वेश्चन है सोल्व कर लेना, क्लियर। कोई डाउट हो तो पूछते रहना साथ साथ बेटा, ओके। बाकी कल इसको कंटिन्यू करेंगे।